हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग हमने शुरू कर लिया है और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6। तो सुबह से ही मैंने आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ, अपने बालों में कंघी कर रही हूँ। और आज ना मतलब वो दिन आ गया है जिस दिन का हम कब से इंतज़ार कर रहे थे, कब से हमारी तैयारियाँ चल रही थी। तो भैया शादी वाला दिन आ गया है और आज शादी है और मैं जा रही हूँ आज घर पर, तो मैं दिन के दिन ही जा रही हूँ शादी। वैसे शाम मतलब प्रोग्राम जो है वो शाम का है और अभी सुबह का टाइम है, तो मैं पहले घर जाऊँगी यहाँ से। और मौसम गाइज इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है, बट पता नहीं शाम तक का मौसम चेंज होगा या नहीं होगा। तो बस यहाँ पर मेरी कंघी वगैरह हो चुकी है और यहाँ मैं अपना पर्स चेक कर रही थी कि मुझे कोई सामान रखना तो नहीं है। और फिर मुझे याद आया कि जो मतलब मुझे गोल्ड पहनना था वो भी मैंने अपना पर्स में रख लिया था। लेकिन फिर ना मुझे एक बात याद आई अपनी मम्मी की। मेरी मम्मी हमेशा बोलती हैं कि पर्स की चीज़ें ना मतलब कभी भी रास्ते में गोल्ड वगैरह कैरी नहीं करनी चाहिए, वो सेफ़ नहीं होता है, तो इससे अच्छा तो आप उनको पहन लो। तो फिर मैंने पहन लिया और जो भी चीज़ें मुझे पहननी थी वो मैंने पहन ली और बाकी चीज़ें अपने पर्स में मैंने रख ली हैं, क्योंकि शाम को फंक्शन है तो सारी चीज़ें देखिए ज़रूरत पड़ने वाली हैं। तो जो जो मुझे चाहिए था वो सब कुछ मैंने तैयारियाँ कर ली हैं। बस अभी थोड़ी देर में हम घर के लिए निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी और सुबह सुबह का टाइम है अभी 7:30 का टाइम हो रहा है। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि बाहर ना बारिश हो रही थी, मतलब हो रही थी नहीं, हो रही है, फिर से स्टार्ट हो गया और मेरा पूरा का पूरा मूड ख़राब हो गया है। हम लोगों को जल्दी निकलना था, हस्बैंड को ऑफिस निकलना था, फिर ये बोलने लगे कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और मैं फिर अपने काम से चला जाऊँगा, ऑफिस चला जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर, वरना मुझे बाद में जाना पड़ता अकेला, फिर बहुत दिक्कत होती। फिर मैंने हस्बैंड को यही बोला था कि आप ही छोड़ देना मुझे, वो मुझे छोड़ने वाले थे। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। फ़िलहाल हो गई हूँ तैयार और आज देखो मैंने ना अपना सारा गोल्ड पहना है। ये देखो अपने गोल्ड के बैंगल मैंने पहने हैं, गोल्ड के इयररिंग पहने हैं और ये पहने हैं मैंने अपना चेन जो है गोल्ड की पहनी है। मैं बहुत कम पहनती हूँ, जैसे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया मैं बहुत कम पहनती हूँ, सिंपली आप देखते होगे मुझे मेरे ब्लॉग में कुछ नहीं पहनती हूँ, लेकिन आज पहना है क्योंकि फंक्शन वगैरह, देखिए जो अपने घर के फंक्शन होते हैं ना उसमें अच्छा लगता है ना। और बैग हमारे रेडी हैं बिल्कुल, ये देखो बैग रेडी हैं, दो बैग मैंने फ़िलहाल तैयार किए हैं। और देख लेती हूँ कुछ रखा तो नहीं है मेरे पर्स में कुछ, ये मेरा बैग पर्स कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने रख लिए हैं, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा बैंक वगैरह का काम करा के आना है उधर से। और ये मेरी अभी बैंगल पड़ी है, इनको भी मुझे रखना है और स्लीपर वगैरह सारी चीज़ें रखनी है, बहुत सारा सामान हो गया है, इसको मैं लेके कैसे जाऊँगी? शादी मतलब हो ना तो शादी वाले घर ऐसे ही होता है ना, इतना ज़्यादा सामान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलो गाइस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो तो देख लेते हो लेकिन ना लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो ऐसा ना किया करें प्लीज़। बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो, थोड़ी सी तो प्लीज़ सपोर्ट कर दें आप। और इससे आगे का जो ब्लॉग होगा ना वो आपको घर का देखने के लिए मिलेगा, यानी कि मायके का ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। तो चलो फिर मिलूँगी आपसे कुछ देर में, ठीक है? अभी हम लोग आ चुके थे घर पे और नाश्ता पानी भी हमारा हो गया था और यहाँ मैं अपना बैग खोल के बैठी हूँ। और भाई को ना मैं दिखा रही थी मून के कपड़े के, वो पूछ रहा था कि शाम को मून क्या पहनने वाला है, तो बस मैं उसको ना मून के कपड़े वगैरह दिखा रही थी और अपने भी कपड़े मतलब मैं दिखा रही थी कि शाम को मुझे कौन से पहने हैं, पूछ रही थी अपनी छोटी वाली बहन से। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें मैं निकाल के रख रही हूँ। और यहाँ देखिए छोटा वाला भाई ना मून के लिए केक लेके आया था, और सभी को पता है मून ना केक लवर
है, और जब भी वो केक देखता है ना तो बस उसको यही लगता है कि बर्थडे है, और बिना टाइम से ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। तो मतलब इसको ना सब्र नहीं होता केक देख के, बहुत ही ज़्यादा मतलब केक इसको पसंद है। और अभी आप देख सकते हैं मतलब काटने तक का भी ये ना वेट नहीं कर रहा है। तो देखो बर्थडे पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहा है, और अभी ना छोटी वाली बहन के फेस पे ना ये केक वेक मतलब लगाएगा। तो मैं आ गई थी, आ तो मैं सुबह गई थी 2:30 बजे, मैंने सुबह से आने के बाद मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, और अभी 2:30 बज रहा है, 2:30 बजे मैं रिकॉर्डिंग मतलब कर रही हूँ, कैमरा उठा रही हूँ। मून गंदी बात है बेटा, और प्यास लग रही है, पानी कब से लेके हाथ में घूम रही हूँ, पानी नहीं पिया, पहले पानी पी लेती हूँ। बहुत नालायक है, देखो बाइक पे बैठा है, इसको पता है मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, और बार बार हॉर्न बजा रहा है और लाइटें वाइटें चला के बैठा है। देखो हाय कर रहा है आपको। तो यहाँ ये देखो तैयार हो रही है, ये अपना मेकअप कर रही है। तो कल मैंने आपको बता ही दिया था कि शादी है मामा जी की, वहाँ पे जाना है। तो आज मैंने सुबह ही आ गई थी, आज शादी है, तो अभी बहुत आज सुबह से ही ना मतलब बारिश हो रही है। मनू बजा रहा है, मुझे रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा। तो मैं सुबह ही आ गई थी, और मम्मी यहाँ पे मैं आई और मम्मी मुझे मिली नहीं, क्योंकि मम्मी तो एक हफ्ते से वहीं पे हैं, लेकिन वो 2 दिन पहले आ गई थी, और फिर मुझे पता नहीं, मैंने रात तक मैंने बात नहीं करी, वो रात ही चली गई थी भाई, छोटे वाले भाई के साथ। तो फिलहाल अभी हम लोग जाएंगे, अभी देखते हैं, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, अगर बारिश रुक जाती है तो हम घर पे जाएंगे, और अगर अगर बारिश नहीं रुकती है तो फिर हम सीधा मैरिज हॉल जाएंगे। और अभी मैं भी बस तैयार होने जाऊंगी, और उसको ना सबसे बाद में मून पिटाई कर दूंगी, मैं बाद में सबसे बाद में मैं इसको तैयार करूंगी, क्योंकि अगर मैं इसको ना पहले तैयार कर दूंगी तो ये ना कपड़ों के ना धज्जियाँ उड़ा देगा पूरी तरह से। और ये इसका मेकअप हो गया है, और यही हमारे ब्यूटी आर्टिस्ट है, यही मुझे तैयार करेगी, हम सबको तैयार करेगी। तो चलो अभी तैयार व्यार होने के बाद मिलते हैं, और फंक्शन का दिखाएंगे आपको, सारी चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है। लो जी, यहाँ पर मोना ने मेरा मेकअप कर दिया है, और छोटी वाली बहन है, आप सभी जानते हैं इसको, और ये बहुत अच्छे से मेकअप कर लेती है। तो भाई ना भी मतलब बोल रहा था कि तुम लोगों ने ना घर में ही पार्लर खोल दिया है, पूरी दुकान खोल के बैठे हो, ये देखे। तो मैं उसको यही बोल रही थी कि जब घर में ही मतलब इतना अच्छा टैलेंट है तो बाहर जाने की ज़रूरत क्या है, और सच में बहुत ही अच्छा मतलब कर लेती है ये मेकअप वगैरह, तो हम लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इसने ये देखो मेरा बहुत अच्छे से मेकअप किया है। तो फाइनल लुक आपको ना मैं अभी मतलब पूरा तैयार होने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, मतलब मैं रेडी हो गई हूँ, सबसे पहले ना मुझे रेडी कर दिया है, और ये रही हमारी मेकअप आर्टिस्ट, इसने तैयार किया है। तो कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बस अभी निकलेंगे, लेकिन मूड ना बहुत ज़्यादा ख़राब है फ़िलहाल, क्योंकि पूरे जो फंक्शन की जो मतलब वो थी ना खुशी जो थी, वो बारिश ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है, और सुबह से 1 मिनट को भी बारिश नहीं रुकी है, और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। बस ईयरिंग पहनने बाकी हैं, ईयरिंग मैंने अभी इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि हैवी है ना, तो कान ना मेरे दुखने लगते हैं, तो जब मतलब चलेंगे ना तो तभी मैं ईयरिंग पहनूंगी। तो चलो अभी जब चलेंगे फिर दिखाती हूँ कैसे कैसे हम लोग अभी जाने वाले हैं। बारिश बस मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम पे, और बस फाइनल लुक आप लोगों को दिखाना था, आप लोग बताइएगा। और ड्रेस मैंने वही पहनी है जो मैंने मेरे देवर के रिसेप्शन में डाली थी ना, तो वही वाली ड्रेस मैंने डाली है, ये देखिए। तो फाइनली गाइज हम लोग यहाँ पर अभी इंजॉय कर रहे थे समोसे और जलेबी, क्योंकि हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे, और जो हमारे ड्राइवर हैं जिस गाड़ी में हम जाने वाले हैं वो बारिश की वजह से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए जलेबी इंजॉय करते करते ना हमारी लाइट भी चली गई, और अभी हम लोगों ने ना अपने अपने फ़ोनों की टॉर्च जलाई हुई है, और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ये देखो अपना अपना मुँह छिपा रहे हैं कि अंधेरा हो रहा है, रिकॉर्डिंग मत करो। तो भाई हमारी गाड़ी आ गई है, और अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं,
हैं रेडी होके, और मैं भी आपको बाहर का हाल दिखा रही हूँ। बारिश इतनी तेज़ हो रही है, मतलब पूरी शादी का ना मज़ा किरकिरा हो चुका है, लेकिन क्या करें, शादी तो अटेंड करनी है। तो बस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से, और इससे आगे का व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइज। तो चलो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।